उमर, क्या ये नॉक आपके करियर का सबसे बेहतरीन नॉक्स में से एक कहा जा सकता है? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वाकई में ये नॉक मेरे करियर का बेस्ट होगा, क्योंकि जितनी स्ट्रेस में हमारी टीम थी पहला मैच हारने की, और उसके बाद ही हमारे लिए मैच जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और जिस तरह फ्री हैंड मेरी मैनेजमेंट ने मुझे दिया था कि जाके अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस करो, तो मैं थैंक यू करता हूँ अपनी मैनेजमेंट का, उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया और मैंने अपनी नेचुरल बैटिंग की और अल्लाह ताला ने मुझे अच्छे स्कोर से नवाजा। इस जीत के बाद ये ग्रुप काफ़ी खुल गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो मेरा ख्याल मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन एज ए मैच टू मैच हम लोग एज ए टीम यूनिट खेल रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम हर मैच जीतने के लिए खेलें। और नो डाउट हम पहला मैच हार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा मोराल हमारी मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा हाई रखा हुआ था और जितना कॉन्फिडेंस दिया था हमारी मैनेजमेंट ने और एज ए यंगस्टर सीनियर्स प्लेयर ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा दिया था, तो इसलिए हमें बहुत खुशी है और हमने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं। जी उमर, दो विकेटें जल्द गिरने के बाद दो भाई आप लोग थे, तो किस तरह कन्वर्सेशन चल रही थी और एक दूसरे को किस तरह मतलब साथ लेकर चल रहे थे, जो एक पार्टनरशिप जो है वो ऐसी हुई? बिल्कुल, काफ़ी देर के बाद हम दोनों भाई खेल रहे थे, लेकिन ये था कि हम यूज्ड टू थे आपस में खेलने के, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बहुत लंबे अरसा खेले हम दोनों भाई। और फिर यही कहूँगा कि जिस तरह मेरी मैनेजमेंट ने मुझे फ्री हैंड दिया था कि आप जाके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो और जो तुम्हारे अंदर है वो आज दिखाओ, तुम बेस्ट कर सकते हो और तुम आज मैन ऑफ की मैच बनोगे, जिस तरह मेरे सीनियर्स प्लेयर्स ने मुझे बोला, मैंने वही कॉन्फिडेंस लेके मैं अंदर गया और अल्लाह का शुक्र है मैं पॉजिटिव खेला उसमें। बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर आया था, लेकिन उसमें मैंने सारा प्रेशर अपने पे लिया और मैंने अपनी फीलिंग्स को और अपनी शॉट्स को कैरी ऑन किया, उसमें मुझे सक्सेस मिली। उमर, कितनी मेमोरीज आपकी आई सेंट लुसिया की, वहाँ पे भी 191 पे 6 था और आपने और आपके बड़े भाई ने 50 बनाए थे, लेकिन माइकल हसी ने आपके हाथों से मैच छीन लिया था, तो क्या जब मैक्सवेल रन बना रहे थे तो आपको वही दिमाग में जहन में आ रहा था वापस? बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, क्योंकि एज ए बॉलिंग यूनिट हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है और मुझे बिल्कुल यही लग रहा था कि हम लोग ये मैच जीत जाएंगे। नो डाउट मैक्सवेल ने अच्छी हिटिंग की है, लेकिन एंड ऑफ द डे हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और जिस तरह अच्छा कमबैक किया हमारे बॉलर्स ने, तो मेरा ख्याल है फुली क्रेडिट बॉलर्स को जाता है, एज ए बैटिंग यूनिट थोड़ा सा हमें जाता है। और जिस तरह कमबैक करवाया मैच में पूरे, यानी कि इस टूर्नामेंट में कमबैक करवाया हमारी बॉलिंग ने करवाया, तो मैं मेरी बेस्ट विशेस हमारी बॉलिंग के साथ हैं और नो डाउट हमारी बॉलिंग सबसे अच्छी है। हालांकि लास्ट ओवर में 25 रन चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन बिलावल भट्टी ने पहले ओवर में 30 रन दिया था, तो उसे क्या बोला गया था, मतलब लास्ट ओवर एक प्रेशर होता है एक यंगस्टर के ऊपर? मेरा नहीं ख्याल उस पर कोई प्रेशर था और ना पहले ओवर में था, नो डाउट कि बहुत बड़ा मैच था एज ए यंगस्टर, उसका दूसरा तीसरा मैच था, लेकिन जिस तरह सीनियर्स प्लेयर्स ने और कप्तान ने उसे कॉन्फिडेंस दिया था, स्पेशली गुली भाई ने जब सेकंड लास्ट ओवर किया था तो उन्होंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था बिलावल के साथ, और नो डाउट उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है लास्ट ओवर में और यही लग रहा था कि हम लोग ये मैच जीत जाएंगे। यू प्लेड द लेफ्ट आर्म स्पिनर टुडे, हाउ मच वाज दैट बेस्ड अराउंड ऑस्ट्रेलियाज टॉप 7, ओनली वन लेफ्ट हैंडर देयर, रेस्ट ऑफ देम आर राइट हैंडर्स, हाउ मच वाज दैट बेस्ड अराउंड दैट? सॉरी, से अगेन। Australia have 6 right-handers in their top 7 and you played a left-arm spinner. Was that the main reason you played a left-arm spinner? I think so. It's just team plan. So I'm just not for talk for this because our captain and management decided. So I'm just playing in as a player, not for in our team management. वही बता रहा हूँ कि एक्चुअली आई एम जस्ट ऑलरेडी टोल्ड यू कि ही जस्ट डिसाइडेड फॉर मैनेजमेंट एंड कैप्टन, नॉट फॉर मी, सो आई थिंक सो इज़ अ पॉजिटिव साइन, सो इज जस्ट लॉट ऑफ राइट हैंड इन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, सो वन इज अ लेफ्ट हैंड स्पिनर इज जस्ट गो टू इन शो द एबिलिटी, सो आई थिंक सो इज ज़ुल्फ़िकार बाबर इज एक्सलेंट बॉलिंग इन अ सर्कल। Well, Umar, at once Australia was cruising towards victory when Finch and Maxwell were batting. Do you think in which moment or in which particular over the momentum shifted towards Pakistan? I think so. It's a moment for Guli Bhai because it's a good Yorker, so
just come back in a match in Saeed Ajmal and Umar Gul. So I think so. It's just feelings for I'm just win the match. All right, excellent. Thank you very much. Thank you very much, guys.